हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इन टुडेज इंग्लिश क्लास वी आर गोइंग टू डू ए चैप्टर टूर ऑफ आवर यूनिट 3। ओके, इन यस्टरडेज क्लास वी हैव डन द वर्कशीट ऑफ आवर प्रीवियस चैप्टर। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न और नाउ वी आर गोइंग टू मेक ए चैप्टर टूर ऑफ यूनिट 3। सो लाइक अदर यूनिट्स, इन दिस यूनिट वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न ए पोएम एंड ए प्रोज। बाकी सब यूनिट की तरह हम इसमें भी एक प्रोज और एक पोएम पढ़ने वाले हैं। सो जो पहला पोएम है उसका नाम है ए स्माइल। द टाइटल ऑफ योर पोएम इज ए स्माइल। सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट स्माइल। यू आर वेरी मच अक्वेंटेड विथ स्माइल एंड वी हैव ऑल्सो मेड पिक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फेसेस इन प्रीवियस यूनिट, जस्ट लाइक एंग्री फेस, स्माइल फेस, अगली फेस एटेसरा। ओके, and in this chapter we are going to learn so many things about animals and human beings about their smile। जानवर और इंसान के हंसने के बारे में इस चैप्टर में हम बहुत सारा पढ़ेंगे। एंड along with this we are going to work out the riddle। ओके, we are going to work out the riddle and there is a spinning activity for us in this chapter। यहाँ पे एक ये घुमाने वाला काम हमारे लिए दिया गया है और हम हैप्पी और सैड को कैसे पहचानेंगे इसको इसी यूनिट में भी पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम राइटिंग प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। राइटिंग प्रैक्टिस करने के साथ साथ हमारा एक अच्छा सा प्रोज इसमें भी है जिसका नाम है द विंड एंड द सन। द विंड एंड द सन में हम विंड के बारे में पढ़ेंगे, सन के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या है जो भी हमारा हम क्लास वन में पढ़े थे, जो कि वी कैन सी देम इन द स्काई। एक चैप्टर था हमारा क्लास वन में EVS में जिसका नाम था वी कैन सी देम इन द स्काई, जिसमें हम स्टार्स, मून, सन, क्लाउड एटेस्ट्रा इसके बारे में पढ़ते थे। सो इसमें हम जो इंग्लिश में प्रोज में हम पढ़ेंगे द विंड एंड द सन, इसमें हम विंड और सन के बारे में पढ़ेंगे एंड हाउ दे अफेक्ट आवर लाइफ, वो हमारे ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं हम उसको इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, बहुत सारे थिंकिंग एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे रोल प्ले एक्टिविटीज़ हैं। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे उसमें बहुत सारे टीम वर्क भी हैं और एक छोटा सा पोएम भी आपके लिए दिया गया है। तो आप क्या करेंगे वो पोएम भी फिर से पढ़ेंगे, पढ़ने के साथ साथ ये चैप्टर हम ख़त्म करेंगे। सो आज के लिए जो आपका काम है वो ये है, आप शुरू से एंड तक अपना बुक में यूनिट 3 का शुरू से एंड तक कौन सा पिक्चर दिया गया है आप देखोगे। शुरू से एंड तक यूनिट 3 के स्टार्टिंग से लेकर के यूनिट 3 के एंड तक जितने सारे पिक्चर दिए गए हैं वो पिक्चर को आप नोटिस करोगे और पिक्चर को नोटिस करने के बाद आपको जो पिक्चर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा उसको ड्रॉ करोगे। यूनिट 3 अपने कॉपी में लिखोगे और सबसे पहले वो पिक्चर को आप ड्रॉ करोगे, चाहे वो आपको पूरे यूनिट में अच्छा लगा। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।